भारत और कनाडा के बीच संबंधों में सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों ही देशों के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। यह तनाव खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या के बाद गहराता जा रहा है, जो कि अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। माना जा रहा है कि यह तनाव दोनों ही देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट घोल सकता है। इस कड़वाहट के चलते दांव पर तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए होंगे। जी हां, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता है तो व्यापार पर भी असर पड़ने की संभावना है। सोमवार को एक रिपोर्ट में बताया गया कि GTRI ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच तनाव का अभी तक फिलहाल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर असर नहीं पड़ा है। हालांकि जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, उसके बाद इसे सावधानी से मैनेज करना होगा। ज्ञात हो कि 2022 में भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार 8.3 अरब डॉलर था, जो कि 2023 और 24 में बढ़कर 8.4 अरब डॉलर यानी तकरीबन 70,611 करोड़ हो गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कनाडा से भारत का आयात बढ़कर 4.6 अरब डॉलर हो गया, जबकि निर्यात में मामूली गिरावट दर्ज की गई और यह 3.8 अरब डॉलर ही रह गया। फिलहाल तनाव बढ़ने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कारोबार पर भी असर पड़ेगा। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII बीते साल की एक रिपोर्ट में कहती है कि 30 से ज़्यादा भारतीय फर्मों की मौजूदगी कनाडा में है। इनका लगभग 40,446 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पर है। इनके जरिए वहां तकरीबन 17,000 लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोनों देशों के बीच होने वाले आयात और निर्यात के बारे में। तो बता दें कि भारत की ओर से कनाडा रत्न, ज्वेलरी और कीमती पत्थर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रेडीमेड कपड़े, मैकेनिकल अप्लायंसेस, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग सामान, आयरन और स्टील भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत कनाडा से कागज, लकड़ी का गूदा, एबेस्टस, पोटास, आयरन स्क्रैप, कॉपर, मिनरल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल खरीदता है।